आप देख सकते हैं वो सामने और आज तो थोड़ा सा मोबाइल पीछे कर लें विक्ट्री के लिए। अच्छा सनम ये बताइएगा कि तैयबा राजा का लास्ट इंटरव्यू उसके ऊपर कोई कमेंट करेंगी आपको कुछ बनूंगा तैयबा राजा आपके खिलाफ क्या बोलेंगे नहीं है इसकी मुश्किलों की टीवी की और लोगों की भी क्या चल रहा है क्या नहीं आप भी हैं बाहर दो दिन तीन दिन का कुछ तो हम अपने काम में सामने के मैं हुसनैन आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। सनम जवेद तीन दिन रहा होने के बाद अब यहां पहुंच चुकी हैं जस्टिस मियांगुल हसन की अदालत में अभी पहुंचेंगी। ये मनाजर आप देख सकते हैं सनम जवेद और उनके वकला उनके बच्चे सब यहां मौजूद हैं और अब सनम जवेद यहाँ जस्टिस मियांगुल हसन की अदालत में पहुंच रही हैं। ये मनाजर हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सनम जवेद यहाँ जस्टिस मियांगुल हसन की अदालत में पहुंच रही हैं। थोड़ी ही देर तक इस केस की समाअत होगी। जस्टिस मियांगुल हसन ने तीन दिन का कहा था कि तीन दिन सनम जवेद को अरेस्ट ना किया जाए इस्लामाबाद से और अब सनम इस्लामाबाद जस्टिस मियांगुल हसन साहब की अदालत में पहुंच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि अब सनम को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए और अब सनम जवेद और सनम जवेद के वालिद सनम जवेद के वकील अब यहां से जा रहे हैं। ये मनाजर है इस टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आज बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है कि अब सनम जवेद को किसी भी दूसरे केस में गिरफ्तार ना किया जाए। ये मनाजर है इस टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट। सनम जवेद अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस मियांगुल हसन की अदालत से आज सनम जवेद को इंसाफ मिल चुका है और आज सनम जवेद को यहां से ये कहा गया है कि सनम जवेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। ये आप देख सकते हैं डिजिटल मीडिया के सहाफी सीनियर सहाफी यहां मौजूद हैं और अब ये सनम जवेद के केस में उनकी रिकॉर्ड करने के लिए यहां मौजूद थे और अब यहां से वापस जा रहे हैं। सो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आया है। ये मनाजर है इस टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के और अब सनम जवेद अपने अहले खाना के साथ यहां से वापस रवाना हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से ये बड़ा ऑर्डर जारी हुआ है कि सनम जवेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। ये मेरा ऑर्डर नहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है। सो आप ये देख सकते हैं इस टाइम सनम जवेद यहां से जा रही हैं, बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। सनम जवेद मुस्कुराती हुई यहां से जा रही हैं। ये देख सकते हैं सनम जवेद मुस्कुराती हुई यहां से जा रही हैं। जो सनम जावेद है वो आ चुकी हैं बाहर और रिहा हो गई और हुकूमत का भी शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं अब सनम जवेद इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जा रही हैं। अब सनम जवेद इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जा रही हैं और जस्टिस मियांगुल हसन की अदालत से सनम जवेद को इंसाफ मिल गया है और आज एक बहुत बड़ा फैसला जारी हुआ है। ओके ये इमरान खान साहब फैसला करेंगे, उसको नहीं फैसला ये। बस आप आज ये उसकी पार्टी का हाँ ये देख सकते हैं मियां अली इशफाक साहब भी मौजूद है। सनम जवेद की वालदा माँ जी खुश हैं माशाल्लाह से आप। अल्लाह सुने का लाख लाख शुक्र है। अली बुहारी साहब क्या कहेंगे आज फिर इंसाफ मिल गया इस अदालत से? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दो ढाई साल से इंसाफ के मुतकाजी हैं और अल्लाह ने चाहा अल्टीमेटली समर फल आना शुरू हो रहा है और बड़ी मुश्किल के बाद कहते हैं ना हर अंधेरी रात के बाद एक जो है वो तुलुए सहर होती है, तो ये एक अच्छी तुलुए सहर हो रही है पूरे मुल्क के लिए
हमारे अवाम के लिए, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये चोर जो है ये इंशाल्लाह अनकरीब और जो पहले आया है भागे। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं अब सनम जवेद जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बाहर जा रही हैं। सनम जवेद की फैमिली भी यहाँ मौजूद थी, अब वकला भी यहाँ मौजूद थे, उनकी वालदा भी यहाँ मौजूद है। उनकी वालदा का कहना है कि अल्लाह सोने का लाख लाख शुक्र, और अब सनम जवेद यहाँ से जा रही हैं। ये मनाजर हैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस था और अब सनम जवेद यहाँ से जा रही हैं। सनम जवेद की वालदा हैं। सनम जवेद ये आपके सामने मौजूद हैं सफेद लिबास पहने।